चंडीगढ़ के एलांते मॉल में पुलिस के द्वारा एक सरप्राइज मॉक ड्रिल की गई, जिसके चलते मॉक ड्रिल के अंदर मौजूद सभी लोगों को और स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया था कि आखिर मॉल के अंदर ऐसा क्या घटना घट गई है कि सभी लोगों को बाहर अचानक निकाल दिया गया। 15 अगस्त के उपरांत चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन और मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि चंडीगढ़ में कोई भी अनहोनी ना हो। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं चंडीगढ़ लांटे मॉल के बाहर, और अगर आप यहाँ पे 10 से 11 बजे के बीच में थे तो अचानक से चंडीगढ़ के लांटे मॉल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। लोग कंफ्यूज थे कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई कि लांटे मॉल को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। चाहे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे लोग हों, चाहे सिक्योरिटी हो, हर एक किसी को बाहर मूव कर दिया गया था। पर जैसे कि अभी हमें जानकारी क्लियर हो पाई है कि चंडीगढ़ में 15 अगस्त को देखते हुए अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल्स लाई जा रही है, और इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ एलांटे मॉल में भी मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई। मॉक ड्रिल साथ में हम कह सकते हैं एक माइनर सर्च ऑपरेशन, दोनों एक साथ ही अगर हम कहें कि यहाँ पे देखने वाला एलांटे मॉल को खुद अगर हम कहें कि चंडीगढ़ पुलिस की टीम यहाँ पहुँची, उन्होंने अपनी तरफ से पूरे मॉल की जांच की और उसके बाद मॉक ड्रिल ख़त्म करके बाहर आ गए। पर अगर हम बात करें कि जो एक कदम चलाया गया, तो क्योंकि ऑफकोर्स मॉक ड्रिल थी, पर मॉक ड्रिल भी होती है तो बिना किसी को बताए की जाती है, और बिल्कुल अगर हम कहें कि अफड़ा तफड़ी में ये सब कुछ किया था, पर लोगों में थोड़ी घबराहट आ गई थी कि लोगों को पता नहीं था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कदम उठाना पड़ा कि पूरा का पूरा एलांटे मॉल खाली करना पड़ा। क्योंकि इस तरह की मॉक ड्रिल हम कह सकते हैं कि पहली बार एलांटे मॉल में देखने मिली जब सभी लोगों को बाहर कर दिया गया था। पर अब आप देख सकते हैं कि स्थिति स्टेबल हो चुकी है, लोग काफ़ी ज़्यादा वापस मॉल चलना शुरू हो गए, लोग वापस अटेंड करने पहुंच चुके हैं और अब मॉल में अपनी शॉपिंग करने पहुंच रहे हैं। पर अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है, चंडीगढ़ पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई तेज करी, अलग अलग जहाँ पर मॉक ड्रिल्स और जो चंडीगढ़ के होटल्स हैं वहाँ पर अपनी तरफ से सर्च अभियान चला रहे हैं कि किसी तरह की अनहोनी को होने से पहले रोक दिया जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, एएनबी।